हेलो व्यूअर्स, क्या आपको भी आंखों की कमजोरी है और आप अपना चश्मा हटाना चाहते हैं? तो आंखों पर क्या लगाएं, कौन सी सावधानी रखें और कौन से व्यायाम करें? वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में किन पोषक तत्वों से आंखें कमजोर पड़ती हैं, हमें क्या खाना चाहिए और हमारी आंखों की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएं, किन चीज़ों को लगाना चाहिए, मसाज कैसे करनी है और किस तेल से करनी है, व्यायाम कौन से करने हैं और कौन कौन से सावधानियों का ध्यान रखना है। आज के समय में आधे से ज़्यादा लोग आंखों की बीमारियों से जुड़ चुके हैं, जिनके पीछे के कारण है हमारे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी, इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग ज़्यादा मात्रा में करना, आंखों की देखभाल करना बिल्कुल ही छोड़ देना। आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए क्या करें? सुबह उठकर अपने मुंह में पानी भर लेना है और आंखों को धोना है। ऐसा करने से आंखों की मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। जब भी इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं तब 30 मिनट का गैप जरूर लीजिए। उस गैप में पानी जरूर पीना है और हाथों को रगड़कर आंखों पर जरूर रखना है। जब हमें दूर का या पास का साफ दिखाई नहीं पड़ता है, देखते समय आंखों में दर्द होता है या आंखों में पानी आता है, अक्सर भारीपन रहता है, तो आप ये जान लीजिए कि आपकी आंखें कमजोर होने लगी हैं। आंखों की कमजोरी से जब किसी को चश्मा लग जाता है तो सभी को ऐसा ही मानना है कि ये चश्मा सारी उम्र लगा ही रहेगा और आंखों की कमजोरी ऐसे ही बरकरार रहेगी। लेकिन असल में आप अपने खान पान और कुछ खास नेचुरल चीज़ों को, पौष्टिक चीज़ों को डाइट में शामिल करें और आंखों की कमजोरी तेजी से दूर हो सकती है और फिर आप धीरे धीरे बिना चश्मे के भी देख सकते हैं। आंखों पर क्या लगाएं? आपने एक चम्मच सौंफ लेना है और आधा खीरा लेना है, ये आपको आंखों पर लगाना है। एक चम्मच सौंफ को 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगो दें और आधा खीरा लेना है। इन दोनों का पेस्ट तैयार कर लेना है और अपनी आंखों पर इस पेस्ट को लगाना है। रात को सोते समय इसे आंखों पर लगाने से पहले आंखों की मसाज करनी है बादाम के तेल से। ऐसा करने से आंखों के डार्क सर्कल भी ठीक हो जाते हैं। क्या खाना है? 2 चम्मच तरबूज के बीज, 2 चम्मच अलसी के बीज, 2 चम्मच कद्दू के बीज ले लीजिए। इन सब को पीस कर पाउडर बना लीजिए। खाना खाने के आधे घंटे बाद 2 चम्मच खा लेने हैं। ये आंखों की कमजोरी दूर करता है और यह बाल झड़ना और चेहरे पर पिंपल को भी नहीं होने देता। इनसे हमारा पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। 4 चम्मच एलोवेरा का जूस खाना खाने के आधे घंटा पहले लेना है। 15 से 20 दिन रोज लेना है। आंवले का जूस, गाजर का जूस, पालक का जूस आदि पिए, ये आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं। आंवले का जूस आप सुबह खाली पेट लीजिए और गाजर पालक का जूस नाश्ते में लीजिए। ड्राई फ्रूट्स, काजू, छोटे बादाम, अखरोट, आपने रोजाना 1 अखरोट, 5 बादाम, 5 काजू भीगे हुए खाने हैं। आपने 5 बादाम और 3 काली मिर्च लेनी है। इन बादामों को छील कर उसके बाद इन दोनों को पीस लेना है और इसे दूध में डालकर लेना है। सावधानियाँ, 1, हमेशा आंखों को साफ करना है। 2, बाहर से आने के बाद अपनी आंखों को जरूर धोना है। 3, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग कम करें। 4, सुबह 30 मिनट की सैर जरूर करें। 5, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। 6, धूम्रपान न करें। व्यायाम, आंखों को खोलना है, बंद करना है, ऐसा आपने रोजाना 30 मिनट तक करना है। तेजी से आपने अपनी आंखों को बाएं दाएं ऊपर नीचे घुमाना है। ऐसा आपने दिन में 4 से 5 बार करना है और रात को सोते समय आपने अपने पैरों पर सरसों के तेल की मालिश करनी है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है, अगर आपको भी आंखों की कमजोरी है तो इस वीडियो में बताए गए ट्रीटमेंट को फॉलो करें, आपका चश्मा जल्द ही उतर जाएगा। व्यूअर्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है तो अटेंड करें लाइव क्लास बाय गौरव धवन सर, वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जहाँ भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। मिलते हैं कल ऐसी हेल्थ वीडियो, ब्यूटी टिप्स के साथ। स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। बाय बाय।